इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अब भारत में नहीं होगा। BCCI ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस मामले में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप को भारत की बजाय UAE में आयोजित किया जाएगा। सौरभ गांगुली ने न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से बताया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। ICC ने इस महीने के शुरू में BCCI को यह फैसला करने और उसे सूचित करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था कि COVID-19 की स्थिति को देखते हुए क्या भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकता है। बता दें कि न्यूज़ एजेंसी PTI ने 4 मई को सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि टूर्नामेंट को UAE में स्थानांतरित किया जा सकता है। IPL को स्थगित किए जाने के बाद ऐसी संभावनाएं बन गई थी। IPL के बाकी बचे मैचों का आयोजन भी सितंबर अक्टूबर में UAE में ही होगा। वहीं BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मीडिया को बताया, हमने ICC को सूचित कर दिया है कि इस टूर्नामेंट को UAE में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता भारत में इसे आयोजित कराना था, लेकिन अगले 2-3 महीनों में कोविड की स्थिति क्या होगी इस पर किसी को कुछ नहीं पता है। सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद हमने इसे UAE स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। इस टूर्नामेंट की तारीखें वही रहेंगी जो पहले से तय की गई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें।